नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। हम हाजिर हुए हैं खिलाड़ी खेल खबर में। आज हम बात करेंगे आईसीसी विश्व कप 2019 के फाइनल मैच की। यह मैच था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए उतरी न्यूजीलैंड की टीम 441 रन बना पाई। इसके बीच में न्यूजीलैंड ने 14 चौके और 2 छक्के लगाए थे। सर्वश्रेष्ठ पारी हेनरी निकोलस ने खेली थी 55 रन की और दूसरी पारी लैथलिस ने। इसके बाद बारी थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने उतरे। पहले से ही न्यूजीलैंड के बॉलरों ने कस रखा था। 25वें ओवर खत्म होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 86 रन के 4 विकेट थे। ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य नहीं भेद पाएगी और हार जाएगी। इसके बाद विकेट कीपर जो रूट की पार और स्टॉक की पारी ने न्यूजीलैंड को संभाल लिया। 203 रन का स्कोर था और उसके बाद ओवर 48 बार जो रूट आउट हो गए। इसके बाद आखिरी ओवर बेहद रोमांच से भरा था। ऐसा मान रहा लगा जा रहा था हर बॉल पे कौन सी टीम जीतेगी। पहले बॉल पे डॉट होते हैं न्यूजीलैंड के खेमे में मैच था। दूसरे बॉल में भी न्यूजीलैंड के खेमे का। तीसरे बॉल में इंग्लैंड के खेमे फिर मैच आता है क्योंकि छक्का लग जाता है। चौथे बॉल में फिर रन भागा जाता है। पांचवा बॉल था स्टॉक रन आउट होते हैं। इसके बाद मैच फंस जाता है एक बॉल पे दो रन चाहिए थे। प्लेयर आते हैं, रन भागते हैं। पहला रन भागने के बाद दूसरे रन की दिक्कत में रन आउट हो जाते हैं। अब मैच आता है सुपर ओवर में। सुपर ओवर में पहले न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने उतरती है। न्यूजीलैंड ने 15 रन लगाती है। इसके बाद इंग्लैंड की बारी थी। इंग्लैंड ने 16 रन मार विश्व कप जीत लिया। इंग्लैंड ने 24 चौके और 4 छक्के मारे थे इस मैच में। ये तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन थे, पर हम बात करेंगे अंपायरिंग पे। इस बार आईसीसी विश्व कप में लगातार अंपायरिंग खराब रही। जैसे खिलाड़ियों पर जुर्माने लगते हैं वैसे अंपायरिंग पर भी जुर्माने लगे होते हैं तो शायद अंपायरिंग इस बार ठीक होती। सेमीफाइनल में विराट कोहली का डिसीजन हो या आईसीसी विश्व कप में अंतरिम खेल में रोहित शर्मा का दिया गया डिसीजन हो या फिर फाइनल मैच में टेलर को आउट देने के बाद। टेलर के पास कोई रिव्यू नहीं था, बना वो आउट नहीं थे और आउट दे दिया गया। इससे अंपायर को ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक आउट या रन आउट देने से मैच के नतीजे कई बार बदल जाते हैं। हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आगे भी आते रहेंगे खेल के नए अपडेट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।